नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगनदीप सिंह आपके अपने चैनल GdTech से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम एमएस वर्ड के बारे में आपको बता रहे हैं कि उसमें कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि उसमें हमने कुछ बताया था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर उसको क्यों कहा जाता है, इसके अलावा एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसी तरह से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में जो टूल्स हैं उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके सबसे पहले टूल्स में से जो आता है कॉपी और पेस्ट। दोस्तों, आपको सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक चीज है, कट कॉपी और पेस्ट। लेकिन आज मैं इसमें कुछ आपको स्पेशल फंक्शन बताऊंगा, क्योंकि कट कॉपी या पेस्ट का प्रयोग तो सभी ने किया होगा, लेकिन एमएस वर्ड में एक खास ऑप्शन मिलती है पेस्ट स्पेशल, जिसका प्रयोग बहुत ही कम लोगों ने किया होगा। आज हम उसी पेस्ट स्पेशल के बारे में बताएंगे कि इसमें पेस्ट स्पेशल में कौन कौन से नए फंक्शंस आते हैं या किन फंक्शंस का प्रयोग करके हम कौन सा काम आसानी से कर सकते हैं। तो फिर वही बात कि हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने कंप्यूटर पर सीधे चलते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली इन सबको कैसे किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले आपको एक बात बताना जरूरी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को GdTech को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको एमएस वर्ड को खोलना पड़ेगा। तो वही सबसे पहले टास्क बार में आके हम सर्च बॉक्स में वर्ड टाइप करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 दिखाई देगा। आपको उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो होम स्क्रीन है वो आपके सामने खुल चुकी है। सबसे पहले हम आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा कट कॉपी और पेस्ट। मैं उसका स्क्रीनशॉट वीडियो में दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है कट और कॉपी वो दोनों ही डिसेबल हैं और पेस्ट की ऑप्शन जो है चल रही है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कट और कॉपी डिसेबल क्यों है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, अगर हमने उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप नहीं किया, जैसे कि मैं कुछ लिखता हूं, हेलो व्हाट इज योर नेम, तो आप देखेंगे लिखने के बाद जैसे ही मैं इनको सिलेक्ट करता हूं तो कट और कॉपी की जो ऑप्शन है, कट और कॉपी की जो ऑप्शन है वो अनेबल हो जाती है। आप देखेंगे कि मैं सबसे पहले कट की ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। जब भी मैं इसको हाईलाइट करता हूं, नीचे लिखा जाता है कि कट की अगर ऑप्शन को आप यूज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड की सहायता से भी आप कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मैं कट का प्रयोग करूंगा, आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में मैंने जो भी लिखा होगा वहां से वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कट का ये मतलब होता है कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट में लिखा है, उस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए शब्दों को या डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट को अगर आप दूसरी लोकेशन पर जाके उसको लिखना चाहते हैं तो दूसरी लोकेशन पे आप आकर पेस्ट की सहायता से उसको दोबारा दिखा सकते हैं नई लोकेशन पे। ये हमारा कट का काम था, लेकिन ये पेस्ट की सहायता के बिना नहीं हो सकता था। उसी तरह से अगर हम बात करें कि कॉपी का क्या मतलब होगा, जैसे ही हम अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं
और कॉपी का बटन दबाते हैं या कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे जैसे मैंने कट का इस्तेमाल किया था तो वो पहली जगह से दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉपी का मतलब होगा कि आप इनको बार बार प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी किया, अब मैं पेस्ट को दबाऊंगा वक्री लोकेशन पे, तो देखेंगे एक बार और वही शब्द लिखे आ गए, फिर पेस्ट का इस्तेमाल करूंगा, फिर पेस्ट का इस्तेमाल करूंगा। मतलब अगर बार 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 आपको किसी लिखे हुए शब्द को रिपीट करना हो तो आप कॉपी और पेस्ट की सहायता से ये कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितना ही आसान था। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर कि पेस्ट स्पेशल जो है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आप पेस्ट की ऑप्शन में देखेंगे तो नीचे की तरफ एक चिन्ह दिखाई देगा जिसका मतलब है ड्रॉप डाउन चिन्ह। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे उसमें दो ऑप्शंस दिखाई देंगी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट का इस्तेमाल तो हमने करना सीख लिया, उसी तरह से पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे ही मैं पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि एक नया डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। उनमें अलग अलग ऑप्शंस हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं। अब हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, तो चलिए पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करना सीखते हैं। पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट में सबसे पहले कुछ लिखना होगा। जैसे कि मैं कुछ लिखता हूं, व्हाट इज योर नेम। लिखने के बाद मैं इस पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूं, जैसे कि मैंने इसको बोल्ड किया, अटैलिक कर लेता हूं, अंडरलाइन कर लेता हूं, और इसका जो कलर है वो मैं लाल कर लेता हूं। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको कॉपी करके एक नए डॉक्यूमेंट में शिफ्ट होता हूं, एक नए डॉक्यूमेंट में शिफ्ट होने से बाद कि एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं, वो खोलने के लिए मैं फाइल मेन्यू पे जाके न्यू पर क्लिक करूंगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस डायलॉग बॉक्स से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ओपन करके एक नया डॉक्यूमेंट खोल लूंगा। तो आप देखेंगे अगर मैं इसमें नॉर्मल पेस्ट या सिंपल पेस्ट पर क्लिक करता हूं तो क्या हुआ, वही डॉक्यूमेंट जो हमारे पहले डॉक्यूमेंट में लिखा था वो यहां पर दिखाई देने लग गया, परंतु साथ ही साथ इसमें जो फॉर्मेटिंग है फॉर्मेटिंग भी वही दिखाई देने लग गई जो हमारे पहले डॉक्यूमेंट में थी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो नए डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के बाद ना दिखाई दो तो हमें क्या करना होगा, पेस्ट स्पेशल में जाके उसको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट सिलेक्ट करके ओके करना होगा। तो हुआ क्या, देखा आपने, बिना फॉर्मेटिंग के मतलब जो हमारे साधारण टेक्स्ट जैसे आते हैं उस साधारण शब्दों में या उस साधारण फॉर्मेटिंग में या बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग में ये अपने आप ही तब्दील हो गए। तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल का काम था। उसी तरह से पेस्ट स्पेशल में और भी ऑप्शंस आती हैं, जैसे कि हम दोबारा पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं, उसमें एक ऑप्शन लिखी आ रही है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को एज ए ऑब्जेक्ट में बदलना हो तो, जैसे कि मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं वर्ड ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करके ओके करता हूं, तो आप देखेंगे कि जैसी फॉर्मेटिंग मेरे डॉक्यूमेंट में थी वैसी फॉर्मेटिंग तो आ गई, लेकिन अब ये शब्द नहीं रहे। देख रहे हैं ना आप, जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं ये पूरी की पूरी आउटलाइनिंग जो है पूरी लाइन पे दिखाई नहीं देने लग गई। और अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं, मतलब शब्दों को एडिट करने की कोशिश करता हूं, बैकस्पेस दबाता हूं या कोई भी एडिटिंग करने की कोशिश करता हूं, तो वो होगी नहीं, ये पूरा का पूरा डिलीट होगा। क्यों, क्योंकि ये एज ए ऑब्जेक्ट में बदल गया था और जो दूसरे हमारे डॉक्यूमेंट में लिखे हुए शब्द हैं वो एज ए टेक्स्ट के रूप में ही रहते हैं। इस तरह से हम पेस्ट स्पेशल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने पेस्ट स्पेशल का कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है एमएस वर्ड में।
इसी तरह से पेस्ट स्पेशल में और भी कई ऑप्शंस हैं। आप इसका इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कर सकते हैं। अगर आपको कोई इनमें से प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में नीचे लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने घर में प्रैक्टिकली खुद नहीं करके देखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा अंदाजा नहीं मिलेगा। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से हमने कितनी आसानी से कट कॉपी और पेस्ट स्पेशल को आज सीख लिया। अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल GdTech को सब्सक्राइब करना ना भूलें।